रात का तापमान भी 40-41 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी की जरूरत हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। आज दिल्ली वालों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है, लेकिन जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है। इस 1050 एमजीडी में से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी, वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 एमजीडी की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 एमजीडी पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 एमजीडी पानी की जरूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 एमजीटी, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 एमजीटी का है। तो हरियाणा को, दिल्ली को अगर 100 एमजीडी पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा।
परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 NGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। देखिए, अनशन पर बैठने से शरीर को बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस समय दिल्ली वालों का कष्ट इतना ज्यादा है कि मेरे शरीर को जो कष्ट होगा वो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से फिर से निवेदन है कि वो अगले 2 दिन में दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलवाएं, वरना 21 तारीख से, परसों से, मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। देखिए, मैंने तो आपको बताया दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होंगे। 1 MGD पानी 28,500 लोगों को पानी की सप्लाई देता है, 1 MGD पानी। दिल्ली के पास 100 MGD पानी कम आ रहा है। इसका मतलब 28 लाख लोगों के पास पानी कम आ रहा है। आप अगर 4 लोगों का भी एक परिवार माने तो 7 लाख ऐसे परिवार हैं दिल्ली में जिनको पानी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पानी है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा पानी दे ही नहीं रहा है। इसीलिए अब हर संभव प्रयास करने के बाद, हर लीगल प्रयास हमने कर लिया, हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास हमने कर लिया, अब अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अगर दिल्ली वालों को 21 तारीख तक पानी नहीं मिलता, तो 21 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। मैम, हरियाणा की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि 1100 क्यूसेक से अधिक पानी हम पर डे दे रहे हैं, और दिल्ली की सीमा में जाके वो कहाँ जाता है, ये दिल्ली के ऊपर में जिम्मेदारी है, क्या आप लोग कुछ ये तय कर पाए हैं कि हरियाणा आपको 1100 क्यूसेक से अधिक पानी हर दिन देता है? देखिए, अब तो हम सिर्फ हरियाणा वालों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आज दिल्ली में 100 MGD पानी की कमी है, अब वो पानी कहाँ से आएगा? इन 28 लाख लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? क्या दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रह जाएंगे? आज दिल्ली के लोग इतने परेशान हैं पानी के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार अपना 1.5% पानी भी नहीं दे रही। देखिए, मुझे भी पता है हरियाणा में भी हीट वेव है, हरियाणा वालों को भी पानी चाहिए, लेकिन 3 करोड़ की आबादी पे हरियाणा के पास 6050 MGD का एलोकेशन है, 3 करोड़ की आबादी पे दिल्ली के पास 1050 का, सॉरी, हरियाणा के पास 6500 MGD का एलोकेशन है, दिल्ली के पास 3 करोड़ की आबादी पे 1050 MGD का एलोकेशन है। तो हरियाणा सरकार दिल्ली वालों पर, और दिल्ली वालों की जो परिस्थिति है, दिल्ली वालों का जो कष्ट है, उस पर मुझे लगता है हरियाणा सरकार को अपना 1.5% पानी देना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी इसमें कुछ करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर फ्राइडे से मैं अनशन पर बैठूंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।